लेते हैं तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में सामने आई है फूट की खबर। अजीत पवार भाजपा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं। एनसीपी के नौ मंत्री लेंगे शपथ। अजीत पवार पहले ही ले चुके हैं, पहुंच चुके हैं राजभवन। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन पहुंचे हैं। ये बड़ा फेरबदल इसे माना जा सकता है। एनसीपी के प्रमुख हैं अजीत पवार और अब राजभवन पहुंचे हैं। देखिए, कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही थी कि हो सकता है भाजपा की ओर झुकाव हो अजीत पवार का, और लेकिन अब ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है। फूट की पहले खबरें आपको याद होगा, बीते साल भी इस तरह का ही घटनाक्रम देखा गया था। मई जून का वो माह था जब राजनीतिक हलचल दिखाई दी थी। एकनाथ शिंदे ने वहां सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे एकनाथ शिंदे और वहां सरकार बनाई। मुख्यमंत्री ने बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा और शिंदे गुट ने गठजोड़ किया और अब एक बार फिर से फूट की खबरें, जहां एक ओर विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, वहीं अब यहां फूट दिखाई दे रही है। अब इसके क्या नतीजे हो सकते हैं ये देखने लायक रहेगा। एनसीपी के नौ मंत्री शपथ लेंगे। एनसीपी चीफ तो शरद पवार हैं, लेकिन अजीत पवार, जिनकी भूमिका सदैव ही एनसीपी में कुछ अलग दिखाई सी दे रही थी, और ये कयास लगे थे कि भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ वैसा ही हुआ। क्या फूट की वजह एनसीपी में खुद को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं करना भी माना जा सकता है क्या? क्योंकि हमने देखा किस तरह से सुप्रिया सूले को भी जगह दी गई और फिर उसके बाद शरद पवार ने जिस तरह से पहले इस्तीफे की पेशकश की थी, फिर एक बार पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाए रखा और कहा कि आप ही चीफ बने रहिए। क्या इसका कोई लिंक है आपस में? ये महत्वपूर्ण। और हमारे साथ सहयोगी सत्य प्रकाश मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जानकारी चाहेंगे, जो राजनीतिक हलचल मची है क्या हो रहा है ये बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन आपको नतीजे क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है और इस बार हलचल एनसीपी खेमे में देखी जा रही है, क्योंकि अजीत दादा पवार आज सुबह सुबह जहां बैठक बुलाई, इस बैठक में सुप्रिया सूर्य और तमाम नेता मौजूद थे। जिस तरह से अजीत दादा पवार ने पिछले दिनों कहा था कि वह विरोधी पक्ष नेता के पद से जो है मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें कोई और जो है पार्टी में जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर शरद पवार का बयान आया था कि यह फैसला अकेले का नहीं है बल्कि पार्टी के तमाम लोग मिलकर लेंगे। तो यह फैसला होना ही था। इस बीच जो है जानकारी मिल रही है कि पवार सीधे जो है बैठक खत्म करने के बाद राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है क्या वह सही होती है या नहीं, लेकिन यह बिल्कुल माना जा रहा है कि एनसीपी में जरूर कुछ बड़ी हलचल या उलटफेर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, अभी क्या कुछ माहौल वहां देखा जा रहा है? क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए आज महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जो है काशीमीरा इलाके में एक नाट्य गृह में कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। यानी कि कुछ जरूर बड़ी जो है राजनीतिक घटना होने वाली है महाराष्ट्र में, क्योंकि अचानक यह फैसला लिया गया कि अब कार्यक्रम को रद्द किया गया, सीएम एकनाथ शिंदे नहीं आएंगे। दूसरी तरफ एनसीपी विरोधी पक्ष नेता जो है अजीत दादा पवार राजभवन पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। लगातार वह कह भी रहे थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। क्या यह अटकलें जो लगाई जा रही थी बार बार कि अजीत दादा पवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर अटकलें, क्या वह इस बार पूर्ण विराम लगा देंगे या सच में कुछ और बड़ा होने वाला है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि कई बार जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल उठाया जाए, कई बार जो अजीत दादा पवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई गई गई। हालांकि अजीत दादा पवार ने कई बार कहा भी कि मरते दम तक वो एनसीपी में ही रहेंगे, किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे,
लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार आज क्या कुछ होने वाला है। सत्यप्रकाश, एक और जानकारी चाहेंगे आपको, आज से 4 साल पहले लिए चलते हैं, 2019 में आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनी थी, लेकिन महज 80 घंटे ही चल पाई थी, वो फूट की खबर सामने आ गई थी। क्या लगता है, एक बार फिर से जब गठबंधन की बातें होने आ रही है, क्या लगता है लंबी रेस दिखाई दे रही है आपको आगे, या फिर लगता है कि फिर से कुछ इस तरह की खबरें आ सकती है सामने? देखिए बिल्कुल इस बार कुछ, और सत्यप्रकाश एक बार आपको रोकना चाहेंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा, पहले अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। राजनीतिक हलचल के दौरान राजभवन लगातार पहुंच रहे हैं एनसीपी के नेता, और देखिए तस्वीरें आपके सामने, एनसीपी के 30 विधायकों के साथ सरकार में शामिल होने जा रहे हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल, शिवसेना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी फूट दिखाई दे रही है। 15 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे ने जिस तरह से रुख अपनाया था, और फिर तमाम हथकंडे अपनाए गए थे इस मामले में, और फिर हलचल तेज हुई है। आपको बता दें कि एक बयान भी सामने आया था एनसीपी नेता शरद पवार का, जिससे महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई थी। उन्होंने इसे गुगली करार दिया था, और देवेंद्र फडणवीस जहां इसे अपने साथ धोखा मान रहे थे, तो ये पूरे समीकरण अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वासघात उनका मानना था। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, फूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नतीजा, अंजाम क्या होता है, ये देखने लायक रहेगा। अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं, और हमारे साथ सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये कोई पहली दफा नहीं है, महाराष्ट्र में 2019 में जब बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हुआ था, ज्यादा घंटे नहीं टिक पाया था, अदिति दिन तो बहुत दूर है, क्या लगता है इस बार गठबंधन सफल होगा? बिल्कुल, लेकिन देखिए पिछले लंबे समय से क्या कुछ चल रहा था, और अजीत पवार का जो ये स्टेप है, पहले भी जब सुबह 6 बजे शपथ हुई थी उस समय अजीत पवार के लिए कहा गया था कि वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन देखिए आज ही शिंदे सरकार में अब शामिल होंगे अजीत पवार, 29 विधायकों के समर्थन के साथ शपथ लेने की तैयारी है, आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें एनसीपी नेता अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होंगे, कब तक ये गठबंधन चलता है, लेकिन देखिए क्योंकि इसमें केंद्र नेतृत्व के साथ संपर्क में लगातार अजीत पवार थे, अपनी पार्टी से उसके काम के तरीके से नाराज थे, और लंबे समय की बीजेपी का ये मानना था कि हमें और महाराष्ट्र के बड़े शहरों के साथ सरकार बनानी होगी जिससे लोगों का समर्थन मिले, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों, अलग अलग जो लोग हैं वो सरकार के विश्वास अलग रहे हैं। इसमें अजीत पवार के पास माना जा रहा है कि लगभग 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। आप देखें कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार एनसीपी नेता अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में आज शाम को 4 बजे शामिल होंगे, शपथ लेंगे, अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे, और ऐसे में अजीत पवार के पास एनसीपी के 53 में से 29 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। और इसके अलावा आपने तो सवाल किया कि कब तक ये सरकार चलेगी, अब देखिए विपक्ष कितना एक साथ आता है, और विपक्ष तो पहले भी ये सवाल उठा चुका है कि भाई जिस तरीके से जो शिवसेना थी उन्होंने जो तरीका हुआ भाजपा के साथ, कैसे कुछ हुआ जब तीनों की सरकार टूटी थी, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी की, तब भी ये सवाल उठे थे कि गलत तरीके से इस बार, तो इसके साथ इतिहास जुड़ा है, इसके साथ पीछे की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, बात सामने आ रही है, और राजभवन के अंदर की तस्वीरें भी सामने नजर आ रही हैं कि महाराष्ट्र राजभवन पर लीडर अजीत पवार और छगन भुजबल प्रेजेंट है, और किस तरीके से हल्ले का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ लगातार पर किया जा रहा था, इंतजार था कब ये स्थिति होगी, और जिस दिन जो एनसीपी में उनकी बेटी को जगह मिली और भतीजे को जगह, उसी दिन ये तय हो गया था कि ऐसा होना है, और आज तस्वीरें सामने आ गई हैं। आपको बता दें 1 जुलाई को ही महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के निवास पर
पार्टी नेता की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी और इस बैठक में पार्टी के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष प्रिया सिंह और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए थे। साथ ही दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, दौलत दौराड़ा जैसे नेता भी पहुंचे थे। बैठक खत्म होने के बाद अजीत पवार घर से सीधे राजभवन के लिए निकल गए और अजीत पवार का जो पूरा गुट है वो राजभवन भी पहुंचा था और एनसीपी का पूरा गुट टूट गया था। इसमें महाराष्ट्र के राजभवन पर अजीत पवार के पहुंचने के साथ गहमा गहम शुरू हो गई थी। अजीत पवार के साथ ही उनके समर्थक विधायक भी राजभवन पर जुटने लगे हैं और आपने देखा होगा इस तरीके का हो हल्ला जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें अजीत पवार के करीबी विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। 29 में से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं और राजभवन पर हलचल के साथ ही जिसकी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी नेताओं की एक बैठक भी चल रही थी। ऐसे में संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं? छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वालसे पाटिल, धनंजय मुंडे, आदिति तक्कारे और अनिल भाईदास पाटिल, बाबूराव और संजय बनसोडे, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब आगे की क्या गतिविधि होती है, तस्वीरें शपथ कब की है और फिर महाराज की जो समय समय पर एक अलग स्थिति पर पहुंच जाती है। हर बार आपने देखा होगा कि हर 30 से 60 दिन के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति से एक चौंकाने वाली खबर आती है, तो आज की ये खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो राजनीतिक हलचल को में चर्चा का विषय बनी हुई है। अदिति कहते हैं कि चिंगारी तो पहले ही लग गई थी, बस धुआं अब उठ रहा है। मैं क्योंकि घटनाक्रम का भी आगे जिक्र करूंगी, आपने भी जिक्र किया जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को, अच्छा तब सवाल किया गया था शरद पवार से कि अजीत पवार को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनकी क्या भूमिका रह सकती है। तो उन्होंने कहा था कि उनके पास तो पहले से ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर है। तो ये मान सकते हैं कि तब से ही ये फूट की खबरें तो सामने आने लगी थी, बस अब नतीजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही, और ना सिर्फ तब से बल्कि एक बार दिल्ली में इनकी एनसीपी की बैठक थी, बड़ी बैठक जिसे कार्यकारिणी कहते हैं, उस समय भी अजीत पवार को बोलने नहीं दिया गया था, तब भी वो उठते चले गए थे, तब भी उनको मनाया गया था, वापस पंडाल में लेकर आया गया था। और उसके बाद भी ये स्थिति थी कि जब ये माना जा रहा था कि वो सुबह शपथ लेने वाले हैं डिप्टी सीएम की, उसके बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा दिल तो एनसीपी के साथ है और हमेशा रहेगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इस तरह से बयान दिया है। लेकिन ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अजीत पवार का दिल पे अब एनसीपी के साथ वो संबंध नहीं रहे हैं। ऐसे में जब खुद एनसीपी के शरद पवार हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति अपने अध्यक्ष की भूमिका से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से, उस समय भी अजीत पवार ने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर समर्थन उनको मिला, समर्थक की रिक्वेस्ट थी कि वो बने रहे पार्टी चीफ की पोस्ट पे, और फिर जो ये मोमेंट था वो वास्तविकता में उसी दिन तय हो गया था कि अब अजीत पवार बाहर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और तभी से अजीत पवार ने अपने बंद दरवाजों को वापस खोला, अपने संपर्कों को साधा और जिसका नतीजा आज का दिन है। अदिति बात तो ये भी थी कि शरद पवार ने ये भी कहा था कि अजीत के खुश या नहीं खुश होने का सवाल ही कहाँ उठता है। अब क्या लगता है आपको, एनसीपी को भी धक्का मान सकती है इसे? बिल्कुल, देखिए पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है, जब 53 में से अगर 29-30 विधायक चले जाते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का भी होगा, पार्टी के लिए बहुत ज्यादा स्थिति भी है। ऐसे में ये तमाम जो गतिविधियां हैं ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक उबाल की तरह है। और शरद पवार जो कि अभी महागठबंधन जो होना था, सरकार के खिलाफ जो गठबंधन तैयार हो रहा था, उस समय शरद पवार की एक अहम भूमिका रहती, क्योंकि शरद पवार की राजनीतिक जो कार्यशैली है उसको बहुत ही बारीकी से वो समझते हैं। और उनके लिए कहा जाता है कि जो लोग शायद 10 साल बाद सोचेंगे वो अभी से सोच लेते हैं। ऐसे में जब आदमी की पार्टी की स्ट्रेंथ कम होती है तो फिर पार्टी में बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति आ जाती है। जब 53 में से 29 विधायक शरद पवार के साथ चले गए, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप में एक बड़ा धक्का एनसीपी के साथ साथ पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को भी, वापस से विपक्ष को भी सोचना होगा कि किस तरीके, खास तौर पर जो शिवसेना टूटी थी उसमें भी अब क्या कुछ आगे गतिविधियां होंगी। ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। अदिति एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट का रहेगा, अब एनसीपी के क्योंकि जो विधायक हैं अजीत पवार हैं वो भी शामिल होने जा रहे हैं शिंदे सरकार में, इसका जो प्रभाव है
वो उद्धव ठाकरे गुट के लिए क्या रह सकता है, वो नजरिया भी जरा आप समझाइएगा। बिल्कुल, जहां पर उद्धव ठाकरे एक बार फिर इस उम्मीद में थे कि सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है और सरकार में खींचतान होगी और कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि 2024 हुआ या फिर आगे के जो विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उस समय हम एक बार फिर वापस से, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जिसका ये इंडिकेशन था कि गलत तरीके से स्पीकर का फैसला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कॉन्फिडेंस थी कि वो वापस से मुख्य भूमिका में आ सकते हैं और वापस से एक झटका बीजेपी को लगाए। लेकिन आज के बाद कहीं ना कहीं उनको भी अपनी राजनीति को अलग तरीके से सोचना होगा कि आगे की गतिविधियां क्या होंगी। अदिति, तो कब तक माना जा सकता है, कब तक शामिल हो जाएंगी राजभवन में, क्योंकि लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है विधायकों का? बिल्कुल, 4 बजे शपथ समारोह की बात है कि 4 बजे शपथ ली जाएगी, 4 बजे तमाम मंत्री शपथ लेंगे, डिप्टी सीएम के रूप में लेंगे। लेकिन ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जो कि दिल्ली के बहुत करीबी हैं और दिल्ली मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको शिंदे सरकार में सेकंड पोजीशन में रहे, हालांकि फैसले भले ही वो एक लीडर और एक मुख्यमंत्री के रूप में लेते हैं, लेकिन अब उनके साथ ही अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं खींचतान तो देवेंद्र फडणवीस के गुट में भी असंतोष नजर आएगा। तो तमाम चीजों को कैसे एड्रेस बीजेपी करेगी वो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ समारोह होना है। अदिति, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि इस्तीफे की पेशकश तो अजीत पवार ने कर दी और अपने नेताओं के साथ रवाना हो गए राजभवन, लेकिन क्या इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है अदिति? बिल्कुल, देखिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है और शायद यही जो टेक्निकलिटीज हैं इसकी ही और यही खानापूर्ति हो रही है, लेकिन इस्तीफा दे दिया गया है। और अब क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है, पहले भी हुआ है, तो इस्तीफा शपथ से पहले स्वीकार हो जाएगा। अभी उन्होंने इस्तीफा ऑफर कर दिया है और इस्तीफा, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े जो है उनकी एमएलए उनके साथ आ रहे हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा देर सवेर स्वीकार हो जाएगा। अभी इस तरह कोई पुष्टि नहीं आई है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं, लेकिन अजीत पवार ने इस्तीफा दिया और ये पक्की बात मानी जा रही है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होते ही वो शपथ लेंगे और शपथ का समय भी 4 बजे ही है। अदिति, एक और सवाल चाहूंगी। देखा था जब शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे, 2 गुट में विभाजित हुई थी, उसके बाद जब एकनाथ शिंदे गए थे अपने मंत्रियों के साथ विधायकों को लेकर के, उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, कई बार ये पहल की गई, क्या ये पहल एनसीपी के चीफ शरद पवार या उनकी पार्टी में से किसी और के द्वारा की गई अब तक या की जा सकती है, आपको क्या लगता है? आपकी आवाज शिखा यहाँ कट रही है, एक बार फिर मैं चाहूंगी आप सवाल दोहराएं। अदिति, मेरा सवाल आपसे यह है कि बीते साल जो घटनाक्रम हुआ था, जब उद्धव ठाकरे से अलग जाकर के शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे, 2 गुट बनाए गए थे, शिंदे सरकार सामने आई थी, एकनाथ शिंदे मंत्रियों के साथ विधायकों के साथ चले गए थे, उस दौरान ये कोशिश उद्धव ठाकरे की रही थी कि एक बार एकनाथ शिंदे से बात की जाए, उनकी क्या नाराजगी है उसे दूर किया जाए, तो क्या ये कोशिश एनसीपी के चीफ शरद पवार या फिर पार्टी में से कोई और करेगा? देखिए, अब उद्धव ठाकरे की राह एकदम अलग है और जहां तक जब इस्तीफा दिया था उद्धव ठाकरे ने, तब कांग्रेस और एनसीपी ने ये कहा था कि आप इस्तीफा ना दें और आपको दोनों पार्टियों से बात करके ही इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके जो उनको सलाह देते हैं, सलाह मशवरा कर देते हैं उनको, उन्होंने ये माना था कि अब कुछ नहीं बचा है, इस्तीफा देना ही बेहतर होगा, हमारे पास आंकड़े नहीं बचे। तो लगातार एनसीपी और कांग्रेस ये कहती आई थी कि आप बिना बातें करें, बिना साझा राय लिए आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार की राह एकदम बदल गई है और पिछले 1 साल से उनके तेवर दिख रहे थे, तो ऐसे में अब शरद पवार की रणनीति करने वाले हैं। जाहिर तौर पे जब ये बैठक हुई थी आज ही उनके घर पर, तब सुप्रिया सूले ने कोशिश की थी कि अजीत पवार इस तरह का स्टेप ना ले, क्योंकि उनको समझ आ गया था, लेकिन जब दीवार इतनी ज्यादा खड़ी हो गई है, तन तक ज्यादा हो गई है, कि आज अजीत पवार ने स्टेप ले लिया है और अब ये एक घर में नहीं, अब पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, शरद पवार क्या स्टेप लेने वाले हैं, लेकिन अब ये नजर नहीं आ रहा कि बातचीत से कोई चीज सुधर सकती है। अदिति, एक और सवाल रहेगा, क्योंकि अजीत पवार जो एनसीपी छोड़कर शामिल होने आए हैं शिंदे सरकार में, कुछ मकसद से भी आए होंगे, कुछ पद की लालसा भी होगी, कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम वो बनेंगे, लेकिन फिर देवेंद्र फडणवीस की भूमिका क्या रहेगी आगे, क्योंकि वो मौजूदा डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में? देखिए,
बिल्कुल, ये एक टकराव जरूर रहने वाली है, लेकिन क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो दिल्ली के बेहद करीबी हैं और देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में पार्टी और वहां की राजनीति चला रहे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच का वो संपर्क है। लेकिन अजीत पवार भी आए हैं, तो देखिए 9 मंत्री के शपथ के साथ भी आए हैं, उसके अलावा खुद भी कोई बड़ा जो है पोर्टफोलियो चाहते होंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों के बीच में जरूर इस बात को लेकर डिससैटिस्फेक्शन होगा कि दो ही लोग जो है आपस में दो लोग एक एक पद पर आ जाते हैं तो। और आपको ये भी बता दें कि अजीत पवार की स्वेयरिंग इन एज डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र में अरेंजमेंट पूरे हो चुके हैं और राजभवन की तरफ से यानी कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है और कुछ ही देर में अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरह महाराष्ट्र के शपथ ले रहे हैं। ऐसे में आपने जो सवाल किया कि क्या होगा देवेंद्र फडणवीस का, खुद देवेंद्र फडणवीस के मन में भी यह सवाल होगा, पहले भी था और अब भी होगा, खासतौर से समर्थकों के मन में ये बात होगी कि दोनों सेम पद पर हैं, ऐसे में आगे क्या होगा। लेकिन शायद पार्टी पहले भी उनको मनाने में कामयाब रही थी और इस बार भी मनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन कुछ आपको पोर्टफोलियो में फर्क दिख सकता है और आगामी राजनीति में भी आपको देखने को मिलेगा कि देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप कैसा होता है। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस के समर्थक और उनके खुद के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर ये डिप्टी सीएम होते हैं तो फिर मेरी भूमिका क्या होने वाली है। लेकिन क्योंकि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में आज से नहीं लंबे समय से हैं और माना जाता है कि अब दोनों दोस्त भी हैं, जब ये बात आई तो इस पर खुद देवेंद्र फडणवीस को पहले से ही पता होगा कि ये बिना डिप्टी सीएम के ऑफर के पार्टी में नहीं आएंगे। ऐसे में ये बात शायद पहले ही कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस समझ गए होंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी उनके खुद के लिए। अदिति, एक और सवाल आपसे रहेगा, क्या इस कदम को उठाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर दिखाई दी थी? देखिए, दो डिप्टी सीएम हो जाएंगे, एक देवेंद्र फडणवीस, एक अजीत पवार, इसके अलावा एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर तो लगातार है, जहां पर एक तरफ और आपको एक और अपडेट देते हैं कि अजीत पवार तो 40 एमएलए के साथ का जो समर्थन है वो क्लेम कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजेल, जैसा मैंने आपको बात बताया, वो अजीत पवार के साथ आ गए हैं, वहां के सीनियर नेता हैं। और बड़ी राजनीतिक बदल इसलिए है क्योंकि अब एनसीपी, कांग्रेस और जो बची हुई शिवसेना है वो क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की जो ताकत है वो और बढ़ती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल ना सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि देश की राजनीति को इम्पैक्ट करता है। अदिति, क्या इस नए गठजोड़ के चलते पुराने गठबंधन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इस बीच क्या फ्लोर टेस्ट की नौबत आन पड़ेगी? देखिए, कोशिश यही होगी कि फ्लोर टेस्ट की बात की जाए, लेकिन फिर अभी जिसका बड़ा समर्थन ये कह रहे हैं कि 40 विधायकों का समर्थन आ रहा है, तमाम चीजें हो रही है, ऐसे में देखना होगा कि आगे जो एनसीपी शरद पवार है या फिर वहां की कांग्रेस है उनकी क्या गतिविधि होती है। लेकिन फिलहाल अभी तक सुख है और 4 बजे से तस्वीर सामने आएगी कि अजीत पवार के पास कितना समर्थन है, कितने विधायकों के साथ आ रहे हैं, ये तमाम चीजें देखने के बाद आगे विपक्ष जो है क्या मोड लेती है ये देखना। अदिति, राजभवन में फिलहाल कौन कौन मौजूद है, अगर आप जानकारी दे पाए तो कौन कौन पहुंचा है वहाँ? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि खुद वहां पर देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, शिंदे और शिंदे के समर्थक मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा अजीत पवार वहां पर मौजूद हैं और अजीत पवार के साथ साथ जो उनके समर्थक जो लोग हैं सीनियर नेता वो पहुंच गए हैं और धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। संजय रावत ने ट्वीट भी किया है मराठी में और आपको पता है कि संजय रावत जब ट्वीट करते हैं किस तरह का व्यक्त होता है, ऐसे में जो आप ये बात थी कि किस तरीके की हलचल बड़ी है तो महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल। अदिति, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, विश्वास रखते हुए राष्ट्रवादी पार्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का निर्णय कर चुकी है। राष्ट्रवादी पार्टी ने आज सच्चे राष्ट्रवाद का स्वीकार करते हुए देश के प्रगति में योगदान देने का निर्णय किया है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एनसीपी से और कौन 40 से ज्यादा विधायक है एनसीपी के? पूरी एनसीपी ही शामिल हो रही है। ओके, अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है और भी नेता? अजीत पवार को वो तो माननीय मुख्यमंत्री देते हैं,
मुख्यमंत्री महोदय विभागों का बंटवारा कर सर कितने बजे शपथ विधि होगी कितने बजे तक 5 मिनट में शपथ विधि शुरू हो जाएगी सर किस तरह से देख रहे हैं एनसीपी शिवसेना और बीजेपी एक बार तीनों एक पार्टी सर राष्ट्र निर्माण में जो जो साथ देगा उनके सहकार्य का स्वागत है आज हमारे देश को विश्व गौरव बनाने की जो कोशिश है उसमें योगदान है वो देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी का है उसको कोई शुभकामना देता है साथ देता है।